नमस्कार, मैं अजय और चर्चा 2019 के विधानसभा चुनाव का और आज भिवानी शहर का बर्तनों वाला बाज़ार, जो बाज़ार पुराना भी और नया भी, क्योंकि नया नया माल आए तो नया बन जाए, पुराने पुराने लोग आए तो पुराना बाज़ार कहलाए। तो सर, भिवानी का कितने साल पुराना बाज़ार ये? ये 70-75 साल का बाज़ार है अभी पुराना जी। इसका मतलब ये कि आप शहर के मौजूदा आदमी? हाँ, 40-45 साल तो मेरे को बैठते बैठते हो गए भाई साहब। तो सर, आपके हिसाब से अब की बार 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर MLA कैसा हो? ऐसा MLA होना चाहिए जो घूम फिर सके, अच्छा काम कर सके, सड़कें सुड़कें सफाई स्वच्छ काम करे और खूब नौकरियाँ लगवाए शहर की, बच्चों की, और अच्छे स्कूल कॉलेज धर्मशाला बनवाए, ऐसा MLA चाहिए। वर्तमान में 5 साल में ऐसा काम हुआ भाजपा में? देखो, काम तो बहुत हुआ है लेकिन सफाई सफाई शहर में बिल्कुल नहीं है। आपका विधायक कैसा हो? विधायक तो नवयुग होना चाहिए वैसे तो, जैसे अपने प्रदीप गोयल भाई साहब है। अच्छा, ऐसे नवयुग होना चाहिए काम करने वाले, जो जेजीबी पार्टी का उम्मीदवार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 साल में विधायक घनश्याम दास ने क्या काम करवाए भिवानी शहर के? काम कोई विशेष काम नहीं हुए भिवानी के अंदर। तो आप भाजपा के काम से संतुष्ट नजर आते हैं आपकी बार? ना, मैं नहीं हूँ संतुष्ट। अगर भाजपा आपके भाजपा घनश्याम दास आपको टिकट मिल जाती है तो क्या भाजपा ये सीट बचा पाएगी? देखो, सीट का तो पता नहीं लेकिन उम्मीदवार बढ़िया नहीं लगा जी। उम्मीदवार बढ़िया नहीं लगा? अगर घनश्याम को टिकट मिल जाती, घनश्याम को टिकट मिल जाती भिवानी से, तो क्या आप व्यापारी की नज़र से वो अपनी सीट बचा पाएगा? नहीं पाएंगे। यानी घनश्याम को टिकट मिलती है तो सीट हार जाएगा। 100% कर दिए व्यापार की वजह से, सब परेशान है व्यापारी। बात ये जी, शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो रही है। हर बाज़ार में, हर गली में आप देखोगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कहीं भी सफाई व्यवस्था नहीं है। और हर साल सफाई का बजट इतना आ रहा है लेकिन कहीं लग नहीं रहा है। तो MLA को चाहिए था खुद खड़े होकर देखे बजट कहाँ जा रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ बजट गया, कहाँ लगा, किसी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सरकार को चाहिए इसके ऊपर गंभीरता से देखे। जब सरकार का स्वच्छ भारत अभियान के तहत पैसा लगा रही है तो वो लग कहाँ रहा है? ये तो नहीं है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो आ तो रहा है लेकिन जा नहीं रहा, कहाँ जा रहा है वो, इसके ऊपर सरकार को देखना चाहिए। तो आज व्यापारी वर्ग भाजपा से नाराज़ी या वर्तमान के MLA से नाराज़? सर, नाराज़गी व्यापारी की किसी से नहीं होती, व्यापारी को अपना व्यापार करना है। अंतर रोष होता है बीमारी में बैठने का। अब हमारे बाज़ार में कूड़े का ढेर लगता है, सारा दिन व्यापारी यहाँ बैठा रहता है। MLA के पास भी जा चुके हैं, MP के पास भी जा चुके हैं, लेकिन आज तक इस कूड़े के ढेर का समाधान नहीं हुआ किसी पे भी। आपकी नज़र से आपके जीवन काल के अंदर कोई ऐसी सरकार आएगी जो भिवानी का सुधार करेगी? आएगी। JJP आएगी। JJP को मौका देना चाहिए। अच्छा, नवयुग यहाँ पे JJP के वोटर लग रहे एक दो। हाँ बिल्कुल है। तो क्या अब की बार युवा दुष्यंत चौटाला कोई फर्क डाल पाएगा 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर? ऐसा है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, BJP सरकार सिर्फ धर्मवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बहका रही है। हम मानते हैं धारा 370 हटना, राम मंदिर का मुद्दा, 3 तलाक, अच्छे कानून पास किए, परंतु आज इन चीज़ों से पेट नहीं भरता।